लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने 4 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेज दिया था। बुधवार को बीजेपी ने इनमें से 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर को कैंडिडेट बनाया है। अनुराग ठाकुर को 5वीं बार टिकट दिया गया है। वहीं शिमला से सुरेश कश्यप को टिकट दिया गया है। काबिले गौर है कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से फिलहाल 3 पर बीजेपी का कब्जा है। मौजूदा सांसदों का टिकट नहीं कटा है। वर्तमान में दोनों सीटों से अनुराग ठाकुर और सुरेश कश्यप ही सांसद हैं। फिलहाल मंडी और कांगड़ा की सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।